विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब, जिनका एक शब्द है, शून्य महल में आनंद पाया, जहां मर्जी व मन है, कोई गुरुमुखी पा गया, भीतर राम रतन है। चर्चा शुरू करूं एक संत फकीर की एक छोटी सी कहानी से। कहते हैं कि एक फकीर हुआ, बहुत बड़ा फकीर था, बड़ी दूर दूर तक जिनकी ख्याति थी, जिनकी चर्चा थी, जिनका नाम था। उन फकीर का ऐसा प्रभाव था कि हजारों लाखों लोग उनके पास आते थे। बहुत बड़ा विशाल उनका आश्रम था, दूर दूर तक जंगल में फैले हुए बड़े बड़े भवन थे, कुटियाएं थी, बड़ा सुंदर आश्रम था। एक बार उस देश का राजा उन फकीर से मिलने के लिए आया। आया, फकीर को प्रणाम किया, चर्चाएं हुई, और इस चर्चा के दौरान वो फकीर अपना पूरा आश्रम राजा को दिखाने के लिए ले गया। उन फकीर ने भोजनालय दिखाया, प्रसाद घर जहां भोजन बनता है, पुस्तकालय दिखाया, पूरा आश्रम घुमा रहा है, सब कुछ दिखाया, सब बताया। यहां वहां छोटे बड़े भवन, बड़े बड़े विशाल भवन, बड़े बड़े भवनों के बीच एक और विशाल भवन था, और उसके आसपास जितने भवन थे वो थोड़े छोटे मालूम पड़ते थे, जैसे कोई कोई बीच में अच्छा सुंदर मकान हो और आसपास झोपड़ियां हो, इस तरह से लगता था। एक विशाल भवन जिसको देखकर राजा ने पूछा, ये क्या है? लेकिन फकीर ने इस बात को सुना और चुप रह गए, कोई जवाब नहीं दिया। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा कहने लगा कि आपने छोटे छोटे झोपड़े दिखा दिए, स्नान घर दिखा दिया, पखाना दिखा दिया, महल दिखा दिए, बगीचा दिखा दिया, रसोई घर दिखा दिया, सब दिखा दिया आपने, फला ढिमका सब जो कुछ था, लेकिन ये बीच का जो महल है ये क्या है, इसके विषय में आपने कुछ नहीं बताया। राजा बार बार पूछने लगा कि ये जो बीच में है, जो विशाल भवन है, ये क्या है? वो फकीर जैसे ही ये बात सुनते चुप हो जाते। राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा को लगा कि आदमी पागल है, जो दिखाने जैसा है वो दिखाता नहीं है, और जो नहीं दिखाने जैसा है वो मुझे घुमा रहा है, फिरा रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है। आखिर वहां से जाने का समय आ गया। राजा आश्रम के द्वार पर भी आ गया। राजा ने पूछा, हे महात्मा, मैं कुछ समझने में असमर्थ हूं कि जो भवन इस आश्रम में सबसे बड़ा है, जो पूरे आश्रम के बीच में है, जो बड़ा विशाल है, जिसके बड़े बड़े गुंबद दिखाई पड़ते हैं, जिस पर बड़ी सुंदर ध्वजा लहरा रही है, वो क्या है, क्या होता है वहां? और वहां मुझे ले जाया भी नहीं गया, मुझे दिखाया भी नहीं गया, मुझे फिजूल के झोपड़े घुमा दिए गए, पूरा आश्रम दिखाया आपने, लेकिन मुझे उसके बाबत आपने कुछ भी नहीं कहा। फकीर कहने लगे, आप बार बार पूछते थे, मैं क्या बताऊं, कुछ बात ही ऐसी है कि बताना मुश्किल है। राजा को और जिज्ञासा पैदा हो गई। राजा ने फिर कहा, फिर भी कुछ तो मुझे बताइए, कुछ तो वहां करते होंगे, क्या करते हो आप, क्या है वहां? अब उन फकीर ने कहा कि यही तो कठिनाई है राजन, यही सबसे बड़ी समस्या है कि वहां उस महल में बैठकर कुछ भी नहीं करते, वहां हम सिर्फ बैठ जाते हैं, खाली हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, करते कुछ भी नहीं, वो तो एक नॉन एक्शन की जगह है, वो तो मेडिटेशन का स्थान है, वो तो अंतर के ध्यान की जगह है। अब हम कैसे बताएं कि वहां क्या करते हैं, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं करते और किसी को कुछ करना भी नहीं होता है, वहां तो बस जाना होता है, और जो वहां चला जाता है फिर वहां वो कुछ भी नहीं करता।
कुछ करना नहीं रह जाता, और कुछ करने पर उसका बस भी नहीं रह जाता, हो जाता है, सिर्फ होता है, करता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करता, मात्र रह जाता है, जस्ट एग्जिस्ट, सिर्फ और सिर्फ होना। वहां ना शरीर से कुछ कर रहे हैं, ना मन से कुछ कर रहे हैं, वहां ध्यान है। अगर कोई माला फेर रहा है तो ये सब एक क्रिया है, या कोई राम नाम जप रहा है तो ये क्रिया है, यदि कोई गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा है तो भी ये क्रिया है। लेकिन राजन यहां कोई क्रिया नहीं होती, वहां तो स्वयं सत्ता है, वहां तो चित्त की भूमि को तैयार करना पड़ रहा है, वहां तो चित्त की भूमि को बस तैयार करें। एक बात आपसे कहता हूं, आप समझ जाएंगे, आपको समझ में आएगा। मैं लोग मुझसे भी कई बार सवाल करते हैं, पूछते हैं मुझसे कि आप ध्यान कब करते हैं, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, कब करते हैं। कभी कभी जिन लोगों के घर मुझे एक एक दो दो दिन रहना होता है, तो कुछ लोग होते हैं जो मुझ पर नजर रखते हैं, वो देखते हैं कि ये सुबह उठेंगे तो कब ध्यान के लिए बैठेंगे, रात को सोते हैं तो देखते हैं कि ये कब ध्यान कर रहे हैं, और उनको वो बड़े निराश भी हो जाते हैं कि ना तो मैं सुबह उठता हूं तो ध्यान करता हूं, और ना रात को सोता हूं तो ध्यान करता हूं, मैं कभी ध्यान करता ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पागल कहते, जो मुझे बेवकूफ बेकार कहते, मुझे ढोंगी कहते, मुझे पाखंडी कहते, हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, जो जैसा सोचे, जो जैसा विचार करे किसी के भी बारे में, कोई मेरे बारे में अपनी राय कायम करता है, ये उसकी बात है, वो स्वतंत्र है इसके लिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोग मुझे पागल समझते हैं, वे कहते हैं कि हम आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन जब आपके जीवन को हम देखते हैं तो हमें बड़ी निराशा पैदा होती है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि हम किसी के जीवनचर्या को क्या देखेंगे। मैं खाता हूं, पीता हूं, नहाता हूं, कपड़े पहनता हूं, क्या करेंगे? ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मैं 4 बजे उठूं। मेरी जब नींद खुलती है मैं तब उठता हूं, जब नींद आती है तब सो जाता हूं, जब भूख लगती है तब खाता हूं, जब भूख नींद लगती तो नहीं खाता हूं। तो क्या देखोगे आप, और क्या देखना चाहते हो आप? ये देखना चाहते हो कि मैं 3 बजे रात का उठूं और ध्यान करूं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है। सदगुरु कबीर कहते हैं, दिन को भजे वो ढोर है, राते भजे वो चोर, और गुफा भजे वो उंदरो, और सुमिरन की गत और। क्या देखोगे आप मुझे? जो लोग बेचारे मुझको देखने आते हैं कि मैं कब ध्यान करता हूं, कैसे ध्यान करता हूं, मैं आपसे कहता हूं, ध्यान कोई करने की बात थोड़ी है कि आप बैठ गए, पालती आलती पालती लगा के पद्मासन लगा लियो और आंख बंद करी के बैठी गया और सोच रहे हैं कि ध्यान, बिल्कुल पागलपन, बच्चों जैसी बात है। ऐसे बैठ जाएंगे तो सोचेंगे कि ध्यान हो गया, कोई माला लेकर बैठ गया सोचा कि ध्यान हो गया। ध्यान तो बड़ी अद्भुत बात है जी। कबीर कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई, तेरा मन तो चारों दिशा फिरे, ये तो सुमरण नाई। तुम पद्मासन लगा के बैठ भी जाओगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन तो वहां है ही नहीं। तुम हाथों से माला भी फेर लोगे तो क्या होना है? सुमरण की गति बड़ी न्यारी है। सदगुरु कबीर कहते हैं, वो सुमिरन एक न्यारा रे संतों, वो सुमिरन एक न्यारा, जिन सुमिरन से पाप कटे और होवे भोजल पारा। वो सुमिरन एक न्यारा, कैसा? बाहर के पट देई के, भीतर के पट खोल। तो ये जो हम पद्मासन लगा के बैठते हैं, माला लेकर के बैठते हैं, टाइम टेबल से बैठते हैं, ये कोई ध्यान की क्रिया नहीं है। ध्यान है आत्मा का स्वरूप, ध्यान आपकी कोई क्रिया नहीं है। एक फकीर एक पहाड़ी के किनारे खड़ा था, कुछ दोस्त लोग आए थे, करीब आते थे, सोचने लगे दूर से कि ये फकीर वहां क्या करता होगा। उन तीनों मित्रों की आपस में चर्चा चल रही है,
दूर पहाड़ी पर खड़े उस मित्र को देख करके तीनों आपस में चर्चा कर रहे। एक फकीर एक पहाड़ी के किनारे खड़ा था। कुछ दोस्त लोग आते थे, करीब आते थे। सोचने लगे कि फकीर वहां क्या करता होगा। हम देखते हैं किसी को तो हम अपने आप ही सोचने लगते हैं कि यार ये वहां क्या कर रहे होंगे। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं आपको लगता होगा बोल रहे हैं, लेकिन एक स्थिति है भीतर ऐसी जहां कुछ भी नहीं हो रहा है। वो फकीर वहां खड़ा था, वहां तो सोचा कुछ ना कुछ करता होगा। तीनों में विवाद हो गया। हमारा विवाद होता है किसी न किसी बात को लेकर भीतर चित्त में। हमारा अंतस विवादों से भरा है। हम किसी से भी लड़ जाते, छोटी मोटी बातों पे लड़ जाते। तीनों मित्र को आपस में विवाद हो गया। वो फकीर क्या कर रहा होगा? कोई कहता है बैठा होगा, कोई कहता है कुछ भी नहीं कर रहा है। हम छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं जी। कौन सी फिल्म में कौन सा अभिनेता काम कर रहा है इस पर लड़ पड़ते हैं। महावीर बड़े थे कि कबीर बड़े थे, कि बुद्ध बड़े थे, कि गोरखनाथ बड़े थे, इस पर लड़ पड़ते। एक पंडित जी ने मुझसे पूछा कि आप ये बताइए कि कबीर साहब बड़े हैं कि गोरखनाथ जी बड़े हैं। मैंने उनसे कहा कि पंडित जी आपका दिमाग तो ठीक है, अरे मुझे क्या लेना देना, मुझे उनकी उम्र से क्या प्रयोजन है। मैं इधर कई वर्षों से खोज रहा हूं अपने आप को और आप मुझसे उनकी उम्र के विषय में पूछ रहे हैं। मुझे अपने विषय में जानना है। अपन तो अपनी फिक्र करें, अपनी उम्र की फिक्र करें। अपनी उम्र के इतने जीवन चले गए पंडित जी, गोरखनाथ जी बड़े थे उम्र में या बुद्ध बड़े थे, क्या मतलब है। लेकिन दुनिया में रिसर्च के नाम पे बहुत बड़ा पागलपन छाया हुआ है। लोग ढूंढने में लगे और इस बात पर झगड़े हो रहे हैं। मत पंथों में, संतों में विचारों के झगड़े हो रहे हैं। कोई संत इस बात पर लड़ पड़ता है कि कबीर बड़े हैं कि गोरखनाथ जी बड़े हैं। बड़ा पागलपन चल रहा है इस संसार में, आप देखो तो सही। फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, किस गांव में पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, उनके बचपन का नाम क्या था, कहीं कमल के फूल पे पैदा हुए थे कि किसी के घर पैदा हुए थे, कि कहीं आसमान से उतरे थे, कि क्या हुआ था, किस कुल खानदान में पैदा हुए थे, क्या लेना देना है। ना भी हुए हो तो क्या फर्क पड़ता है, आप तो हैं। ये तो विचार की बात है ना, अपन स्वयं तो हैं। ये छोटी सी बात जिसके कारण हम विवाद पैदा कर लेते हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते, जबकि विवाद जैसी कोई बात है ही नहीं। क्या करेंगे जानकर। मैं एक गांव गया, एक गांव में गया तो वहां चर्चा चल रही थी संतों की। मैंने एक संत फकीर का नाम लिया, बीच में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा कि बिल्कुल गलत बात है, यह ठीक नाम नहीं है, यह सही नाम नहीं है, यह घटना तो किसी दूसरे संत की है, दूसरे फकीर की। मैंने कहा भाई साहब दूसरे की समझ लीजिए, तीसरे की समझ लो, हो सकता है चौथे की हो। ये पहले दूसरे तीसरे चौथे की इस बात से क्या लेना देना, लेकिन बात की गंभीरता को तो समझो। कोई भी नाम रख लो क्या फर्क पड़ता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन विवाद हो गया भैया, जबकि आप खुद विचार करो कि इसमें विवाद की क्या गुंजाइश है, क्या जरूरत है इसमें लड़ाई झगड़े की। एक फकीर खड़ा है, तीन चार मित्र गए, सोचने लगे क्या कर रहा है। एक ने कहा कि शायद उसकी गाय खो गई है इसलिए वो पहाड़ पर गाय ढूंढ रहा होगा। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं, अगर वो गाय ढूंढ रहा होता तो उसकी आंखें इधर उधर घूमती हुई मालूम पड़ती होगी। वो तो एकदम चुपचाप खड़ा है, ऐसा लगता है जैसे कोई मित्र पीछे आया होगा, छूट गया है, कहीं घूमने गया तो उसकी उसका इंतजार कर रहा होगा। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, इंतजार करने वाला आदमी थोड़ी देर में इधर उधर घूम फिर के बड़ा विचलित बेचैन होता है, वो इधर उधर देखता है।
ये तो इधर उधर घूम के देखता ही नहीं, ये तो एकदम खड़ा हुआ। ये कोई प्रतीक्षा कोई इंतजार विंतजार नहीं कर रहा भाई। एक ने कहा, मैं समझता हूं फकीर है, साधु ध्यान कर रहा है, परमात्मा का स्मरण कर रहा है, कोई शायद कोई प्रार्थना कर रहा होगा। लेकिन ये तय नहीं हो सका, पक्का नहीं हो सका कि आखिर में वो कर क्या रहा है। विचार किया कि चलो चलते हैं और उन्हीं से चल करके पूछते हैं। मित्र पहाड़ पर चढ़े, फकीर के पास में जाकर के पहुंचे और जाकर के पहले व्यक्ति ने पूछा कि महाराज क्या आपकी गाय खो गई है जिसको आप ढूंढ रहे हो? फकीर ने कहा, मेरी कोई गाय नहीं है, और जब मेरी कोई गाय ही नहीं तो खोएगी कैसे, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूं। दूसरे ने कहा कि फिर तो आपका कोई कोई मित्र ही है, इधर उधर कहीं गया होगा, आप उसके इंतजार में खड़े हैं। फकीर ने कहा, कैसा मित्र कैसा शत्रु, ना तो कोई मेरा दोस्त है ना कोई मेरा दुश्मन है, मेरा कोई मित्र नहीं और मेरा कोई शत्रु भी नहीं, मैं किसी के साथ आया भी नहीं और किसी के साथ यहां से जाऊंगा भी नहीं, मैं कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता क्योंकि मैं एकमात्र अकेला हूं। तब तो तीसरे व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरी बात सही निकलेगी। उसने कहा, फिर तो आप निश्चित रूप से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं। उस फकीर ने कहा, कैसा भगवान कैसी प्रार्थना, मैं कभी कोई प्रार्थना नहीं करता, मेरी कोई कामना नहीं तो प्रार्थना में क्या करूंगा, कैसा भगवान, मैं अपने अतिरिक्त मैं अपने अलावा और किसी को जानता ही नहीं, जब मैं किसी को जानता ही नहीं तो फिर किस भगवान को मैं याद करूंगा। उन तीनों लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा कि बड़ी अजीब बात है, फिर आखिर आप यहां इस पहाड़ी पर क्या कर रहे हैं? फकीर ने कहा, मैं तो यहां केवल हूं और कुछ भी नहीं रहा, मैं सिर्फ हूं और कुछ भी नहीं रहा यहां, मैं तो बस हूं एकमात्र कुछ हूं, बस ये होना सिर्फ हो जाना ये बात है। फिर आप इस बात को अब कुछ भी कहें, आप उसको ध्यान कहें, कुछ और नाम दे, जो मन में आए वो कह दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। जहां आप स्वयं होते हैं, जहां देह का भान भूल करके आप होते हैं, उस होने का जो अनुभव है वही परमात्मा कहा जाता है। जिसने इस होने के अनुभव को पाया, जिसने जीवन के इस संगीत को सुना एहसास किया, वही इस दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है, वही उसकी बड़ी संपदा है। और ऐसी संपदा ने, ऐसे संगीत ने उसके सारे प्राणों को घेर रखा है, वो अपने इस होने वाले घेरे से सदा घिरा हुआ चलता है, और धीरे धीरे जो भी उसके संपर्क में आता है उन सबको भी वो अपने होने में घेर लेता है, उस आनंद ऊर्जा में सबको समाहित कर लेता है। जिसको हम मोक्ष कहते हैं वहां व्यक्ति मिट जाता है। जिसको संतों ने कहा है स्वयं का होना, स्वयं का होना, और जहां स्वयं का भाव विलीन हो जाए फिर वहां कुछ नहीं रह जाता, और वो वही है जिसकी खोज के लिए आप और हम सब इतने लोग इतने जोर शोर से अपने जीवन में जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वही ईश्वर है। जो है फिर वही सत्य है, जो है उसे ही पाना है और उसमें ही होना है। उसके बाहर दुख है पीड़ा है, उसके बाहर चिंता है, उसके बाहर अंधकार है और सपने हैं, और उसके बाहर सब कुछ असत्य है, और जो भीतर है जो स्वयं सत्ता है जो होना है वही परम सत्य है। इन दो दिनों में
जो मैंने आपसे थोड़ी सी बातें करी है, आपने उन बातों को बड़े प्रेम से सुना है, इसलिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ और आपके अंतस में बैठे उस परम तेजोमय सत्ता को प्रणाम और